नमस्कार। कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में राजस्थानी विभिन्न राज्यों में अटक गए हैं। इनमें मजदूर, पर्यटक, विद्यार्थी सहित विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हैं, जो आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण राजस्थान में अपने घर आने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ के रहवासियों, भामाशाहों, स्थानीय प्रशासन, NGOs और अन्य संस्थाओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे खाने पीने और रहने, सुरक्षा इत्यादि का ध्यान रखा जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें असुविधा ना हो। राजस्थान सरकार विभिन्न प्रदेशों में प्रवासी राजस्थानियों पर इस संकट काल के दौरान मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने पर होने वाले खर्च को वहन करने को तैयार है। राजस्थान में भी दूसरे राज्यों के प्रवासी अटके हुए हैं, जिनको राजस्थान सरकार सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर रही है। महामारी की इस विकट स्थिति में आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए अपने और अपने परिवार को इस बीमारी से सुरक्षित रखें। फिलहाल हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी से लड़ने का सबसे कारगर उपाय है। मैं दोबारा आप सबको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।